Hey everybody, this is Ashish. I am from iElevate Digital Marketing Institute. Guys, मैं छोटा सा वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ so that you can understand that how you can choose this as a very good career option or maybe you can use this knowledge in your current business or maybe in your current job profile. Guys, everybody knows about internet कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों में एक बहुत बड़ा behavior change आया है, एक trend आया है जिससे कि लोगों ने internet को use करना start किया है, maybe for their online shopping or maybe for socializing with their friends on Facebook or on Twitter. और maybe अगर हमको एक छोटी सी information भी चाहिए होती है तो हम Google पे जाते हैं, हम search करते हैं उसके लिए. तो internet में एक बहुत बड़ी power है और ये जो behavior change आया है इसका फ़ायदा e-commerce industry ने उठाया है, businesses ने उठाया है. They have started coming online, they have expanded their business online और अब तो बहुत बड़े बड़े players भी आ गए हैं. जिस तरीके से अभी हाल ही में Reliance ने अपना e-commerce store launch किया है और टाटा ने भी अपना e-commerce स्टोर लॉन्च किया है. सो दिस इज जस्ट अ साइन टू अंडरस्टैंड के किस तरीके से जॉब क्रिएशन हो रही हैं और किस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी है डिजिटल मार्केटिंग में और एक बूम है डिजिटल मार्केटिंग में. गाइज, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू. अगर आज आप इसको एज अ करियर ऑप्शन लेते हैं और आप एक डिजिटल मार्केटर बन जाते हैं, सो लेट सपोज अगर आज आप एक डिजिटल मार्केटर बनते हैं तो आज से एक या दो साल के बाद आप इस नॉलेज को, इस एक्सपीरियंस को एक हायर जॉब प्रोफाइल के लिए भी यूज कर सकते हैं. गाइज, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस के हमें अपना करियर वहां बनाना चाहिए जहां अपॉर्चुनिटीज है. एंड आपने देखा होगा कि जिस तरीके से एक एमबीए में बूम आया था, एक इंजीनियरिंग में बूम आया था, वो बूम आज नहीं है. लाखों लोग एमबीए करके वो जॉब्स की लाइंस में खड़े हैं. इंजीनियर्स भी बहुत सारे हैं जो कि जॉब्स का वेट कर रहे हैं, राइट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं. बट गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी इज हेयर, द बूम इज हेयर. और यहाँ अगर आज आप एक करियर बनाते हैं तो मे बी आज से दो से तीन साल के बाद में जब आपके पास एक एक्सपीरियंस हो जाएगा तो यू कैन अप्लाई फॉर गुड मैनेजरियल पोजीशंस एज वेल. और एक मैनेजर की जो एक एवरेज इनकम है आज के टाइम पे, इट विल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर बिटवीन 40,000 to 80,000 डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस एंड द क्वालिटी दैट द पर्सन हैज. तो अगर आप इसको एक राइट करियर ऑप्शन आज चूज करते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आने वाले 15 से 20 सालों में कि आप इस नॉलेज को एज अ बेस यूज करके एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं. गाइज, अगर आपको सिर्फ ये जानना है कि किस तरीके से आज जॉब्स अवेलेबल हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो आप एक काम कर सकते हैं. आप अभी ऑनलाइन जाइए, आप naukri.com खोलिए या monster.com पे आप जाइए, वहां टाइप कीजिए डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स. करियर एक्सपीरियंस वाले कॉलम में आप जीरो चूज कीजिएगा बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो भी इस कोर्स को करेगा वो अभी फ्रेशर ही होगा. तो अगर आप एक जीरो एक्सपीरियंस लेके भी जाते हैं तो आप वहां सिर्फ सर्च कीजिए कि पिछले एक महीनों में कितनी कंपनियों ने जॉब लिस्टिंग्स वहां पे पोस्ट की हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी जॉब्स ऑलरेडी हैं. और फिर जब आप ये एज अ फ्रेशर ऑप्शंस को देख लेते हैं, फिर आप वहां पे एक्सपीरियंस कॉलम में टू टू थ्री ईयर्स का एक्सपीरियंस डाल दीजिए. देन देखिए कि मैनेजेरियल पोजीशंस के लिए कितनी ओपनिंग्स है और वो किस टाइप के पैकेजेस एक दो से तीन साल के एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को ऑफर कर रही है. तो गाइज, ये तो एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी कितनी है और ये एक बूमिंग फेज है. अब जब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एक बूमिंग फेज है, नाउ अंडरस्टैंड कि इसमें फ्यूचर क्या है आपके लिए, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ. देखिए कि आज 2016 में जो इंटरनेट यूसेज है इंडिया में अराउंड 30-35% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन आर यूजिंग इंटरनेट राइट नाउ. जस्ट अंडरस्टैंड दिस नाउ, इतना बड़ा जो मार्केट स्पेस क्रिएट हुआ है वो सिर्फ इस 30-35% जो पॉपुलेशन है जो इंटरनेट यूज कर रही है उसकी वजह से क्रिएट हुआ है. इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाल के अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही हैं, वो सिर्फ इस छोटे से 30-35% के का ही मार्केट है अभी. अब मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूँ. जैसे कि इंडिया है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ये हम अभी डेवलप्ड नहीं है यूएसए की तरह, कनाडा की तरह या यूके की तरह. डेवलप्ड नेशंस में जो इंटरनेट यूसेज है पॉपुलेशंस का वो ओवर 85% है. जैसे यूएसए है, कनाडा है, यूके है, यहाँ उनकी पॉपुलेशन के 85% से ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज करते हैं. इंडिया में खाली 35% पीपल अभी इंटरनेट यूज कर रहे हैं. आने वाले ये जो हमारा डिजिटल इंडिया का जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये जो एक प्रोजेक्ट निकाला है, इसकी वजह से जो इंटरनेट ग्रोथ रेट है वो बहुत
बहुत फास्ट रेट पे इंक्रीज हो रहा है. तो आने वाले 10 से 15 सालों में इफ वी आर अबाउट टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन, तो हमारा जो इंटरनेट ग्रोथ रेट है, जो इंटरनेट यूसेज है, वो 35% से बढ़कर कहीं 70% या 80% हो जाएगा. तो जब हम उनकी उनके बराबर पहुंचेंगे, उन डेवलप्ड नेशंस के बराबर जब हम आएंगे, जब हमारे लोग 80% लोग हमारे इंटरनेट यूज करना शुरू कर देंगे, नाउ यू अंडरस्टैंड के दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू. अगर आज आप एक डिजिटल मार्केटर बनते हैं, आने वाले टाइम में आपकी कितनी डिमांड होगी, आपके पास राइट एक्सपीरियंस है, आप उस एक्सपीरियंस को बड़ी बड़ी जॉब प्रोफाइल्स के लिए यूज कर सकते हैं. और जब ये 80% इंडियाज पॉपुलेशन, 80% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन विल बी ऑनलाइन, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, नॉट जस्ट फॉर अस, नॉट जस्ट फॉर इंडियंस, इवन फॉर द होल वर्ल्ड. और आज भी जो बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जैसे कि फेसबुक है, और चाइना का एक बिजनेस है Alibaba.com, जो कि चाइना का रिचेस्ट मैन है, जैक मा उनका नाम है, उनका एक ये बिजनेस है. ही इज बीन ट्राइंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स टू गेट इन टू दिस इंडियन मार्केट, बट समहाउ हमारी पॉलिसीज उनको नहीं अलाउ कर रही है. इवन मार्क जकरबर्ग, जो कि फेसबुक के फाउंडर है, ही वॉन्ट्स टू एक्सपैंड हिज फेसबुक एक्सपेंशन इन इंडिया. तो ही हैड लाइक यू नो, मेरे ख्याल से लास्ट 7 या 8 मंथ्स में हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने मीटिंग करी थी. हमारे प्राइम मिनिस्टर इवन ही वेंट टू लाइक US और वहाँ एक मीटिंग हुई है. तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई कंपनीज आर सो मच ईगर टू कम इनटू इंडिया एंड टू एक्सपैंड देयर बिजनेसेस इन इंडिया. तो गाइज, मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, इतना बताना चाहता हूँ कि ये आज आपके पास एक राइट करियर ऑप्शन है. इसको वेस्ट मत कीजिए, इस स्किल को डेवलप कीजिए. एक छोटा सा आपका इन्वेस्टमेंट, एक छोटी सी आपकी टाइम का इन्वेस्टमेंट आपको एक बहुत अच्छा फ्यूचर प्रोवाइड कर सकता है. पोटेंशियल बहुत बड़ा है. तो प्लीज आई वुड सजेस्ट यू टू गो हेड एंड डू दिस कोर्स राइट नाउ एंड बिकम अ डिजिटल मार्केटर.